Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई चैनल डिलाइटफुल क्यूजिंस। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं बेहतरीन सा मज़ेदार सा चिकन अंगारा की रेसिपी। इतनी बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही आसान है, तो आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड में आपको रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। मज़ेदार सा चिकन अंगारा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला पीस लेंगे, गरम मसाला। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3 ड्राई रेड चिलीज, सूखी लाल मिर्च ले लें, आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं और बेहतर। और साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून धनिया और साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 सिनेमन स्टिक, 2 दालचीनी लिया है, 4 लौंग और 3 इलायची और 1 टीस्पून काली मिर्च। तो ये तमाम मसाले जो है हल्का सी भून लेंगे। तो कढ़ाई में ये सारे मसाले ऐड कर दें और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर ड्राई रोस्ट करके इसे ब्लेंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। तो ये गरम मसाला हम ऐड करने वाले हैं चिकन अंगारा में। बस ये इस तरह से अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुका है, देखिए कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस इस पॉइंट पे अब इसे ब्लेंड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं बिरिस्ता भी बना रही हूँ, तो जो पेस्ट बनाकर हम ब्लेंड करके ऐड करने वाले हैं चिकन अंगारा में, तो उसमें बिरिस्ता भी लगेगा, बिरिस्ता पीसने वाले हैं साथ ही, तो उसके लिए यहाँ पर बिरिस्ता भी बन रहा है। ऑलराइट, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन से खुशबू आ रही है इस मसाले की। और ये बिल्कुल इस तरह से फाइन पाउडर में हमें पीस लेना है। ऑलराइट, और साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर, ये अराउंड 2 कप्स हैं, तो 2 बड़े साइज़ के और एक छोटा साइज़ का टमाटर मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। साथ ही 1/4 कप या फिर अराउंड 3-4 टेबलस्पून के कोथमीर ले लें और साथ ही 8 से 10 कैशियो नट्स। और साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दही और 1 कप बिरिस्ता। तो ये तमाम चीज़ों को हमें ब्लेंड कर लेना है और एक पेस्ट बना लेना है। अब इस ब्लेंडर में ऐड कर देंगे टमाटर, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कोथमीर और कैशियो नट्स, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बिरिस्ता। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मसाला पीस लेंगे। ओके, पहले इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद जब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें दही ऐड करके फिर एक बार हल्का से ब्लेंड करूँगी। अब टमाटर और प्याज अच्छी तरह से ब्लेंड होकर अच्छी तरह से पेस्ट बन चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे दही। तो 1 कप दही हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे एक बार हल्का से ब्लेंड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन, चिकन को अच्छी तरह से हम मैरिनेट कर देंगे सारे मसाले ऐड करके। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, आप अपने स्पाइस टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही मेन इंग्रेडिएंट हमारा गरम मसाला जो हमने ब्लेंड किया था भूनकर, वो इसमें ऐड कर देंगे सारा का सारा। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, हल्का सी क्रश करके ऐड कर दें और साथ में सॉल्ट टू टेस्ट। और यहाँ पर मैंने रेड और ऑरेंज 2 फूड कलर को मिक्स किया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ब्लेंड किया हुआ पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट कर देंगे। आप चाहें तो चिकन को ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और फिर नेक्स्ट डे इसे कुक करें, वो और अच्छी तरह से मसाले में भिन जाएगा। अभी फ़िलहाल इसे मैरिनेट करके 1 आवर के लिए रख देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैरिनेटेड चिकन पे हम कोयले की धुनी दे देंगे, चारकोल स्मोक। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सी घी और इसे लिड क्लोज कर देंगे। अब दैट्स इट, 2 मिनट्स रखने के बाद तो अब इसे निकाल देंगे और इसे भून देंगे, चिकन को अच्छी तरह से अभी भून लेंगे, कुक कर देंगे।
अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल हीट कर लिया है अराउंड 1 कप, जिसमें मैंने बिरिस्ता फ्राई किया था उसी ऑयल में मैं चिकन कुक करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर दूँगी। पहले चिकन के पीसेस ऐड करके हल्का सी भून लेंगे 2 to 3 मिनट्स के लिए चिकन को, और फिर उसके बाद जो बाकी का मसाला है वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और ये हमारी फेवरेट है, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। That's it. सारे चिकन के पीसेस हमने ऐड कर दिए हैं, अब इसे भून लेंगे हल्का सी 2 to 3 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे। That's it. चिकन को 2 to 3 मिनट्स के लिए हमने भून लिया है, अब इसमें जो मैरिनेट किया हुआ मसाला था इसमें ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन दिखने में भी है और खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है, कुक होगा तो और भी बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। तो बस इसे अच्छी तरह से कुक करना है। अब साथ ही मैं इसमें मसाले का पानी ऐड कर दूँगी, तो ज़्यादा नहीं, बस 1/2 कप मसाले का पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टर करके इसे हल्का सी भूनते हुए स्टर करके मिक्स कर लें, और फिर इसे लिड क्लोज करके 15 मिनट्स के लिए अराउंड कुक करने के लिए रख देंगे। तो बस अब इसे 15 मिनट्स के लिए लिड क्लोज करके कुक करने रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। बीच बीच में एक बार इस तरह से स्टर करते रहें और इसे कुक होने दें। 1 से 2 बार बीच बीच में स्टर करें। That's it. अब इसे दोबारा लिड क्लोज करके कुक करने रखेंगे। साथ ही हम बना रहे हैं पुलाव, तो यहाँ पर सारे गरम मसाले पहले इसमें ऐड कर देंगे। 1 से 2 दालचीनी और साथ में 2 इलायची, 4 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 2 बे लीव्स, ये सारे ऐड कर देंगे। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप स्लाइस्ड अनियन, जब हम कोरमा सालन कुछ भी ऐसा बनाते हैं तो उसके साथ पुलाव बहुत मज़े का लगता है, तो हम लोग अक्सर पुलाव बनाते हैं। और साथ ही 1/2 कप चॉप कोथमीर पुदीना ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके सौते कर लेंगे। अक्सर प्याज लाल होने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करती हूँ, कोथमीर पुदीना ऐड करती हूँ। अब डायरेक्टली फटाफट सारी चीज़ ऐड करके इसमें राइस ऐड कर देंगे, बस हल्का सी सॉटे हो जाएगा काफ़ी है, इसमें ऐड कर देंगे राइस। अब ये राइस इसमें ऐड कर देंगे, अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे पानी और सॉल्ट, ये सॉल्ट ऐड कर दिया, हल्का सी स्टर करके इसे कुक होने रख देंगे। अच्छा, जब से हल्का सी स्टर करके कुक होने रख देते हैं। 15 मिनट कुक करने के बाद उसे मैंने 5 मिनट्स और ओपन रख के कुक किया था, और फिर 5 मिनट्स के लिए दम पे रखा था। ये बिल्कुल बेहतरीन सा चिकन अंगारा रेडी है सर्व करने के लिए, अब इसे सर्व करते हैं।
बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, और साथ ही इसमें गार्निश कर देंगे थोड़े से चॉप्ड कुकमीर के साथ। बेहतरीन सप्ताह, इंशाल्लाह गर्मा गर्म सर्व करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये बेहतरीन सा माशाल्लाह बहुत ही लजीज और बेहतरीन सा बना है। तो ये चिकन अंगारा की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और साथ में ये मज़ेदार सा पुलाव बहुत ही इजी और माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।